हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पर करेंटली मार्केट में जो है किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें जो है किस तरह प्राइस मोमेंटम देखने को मिलने वाला है स्पेसिफिकली आज के सेशन के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 मिनट के हिसाब से कल के सेशन को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो एक अच्छा खासा जो प्राइस लेवल है वो डेफिनेटली सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तो यहाँ पर हमारा फोकस रहने ही वाला है। बिकॉज यहाँ पर आज के सेशन के लिए कोई नई पोजीशन बनानी है तो ये प्राइस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अपसाइड के अंदर हम यहाँ पर जो है 6530 का प्राइस लेवल जो है मार्कआउट कर सकते हैं। अबाउट दैट प्राइस लेवल अगर यहाँ पर कैंडल जाती है देन एक अच्छी खासी जो है लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और उसी के साथ साथ में कल का जो सेशन था वो भी काफ़ी बेहतरीन था बिकॉज यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर देखने मिली थी एंड आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर जो है अच्छा सा जो रिकवरी अपसाइड के अंदर वो भी देखने को काफ़ी अच्छी तरीके से मिला है। एज ऑन द टाइम फ्रेम यहाँ पर जिसे जो है रिस्क थोड़ा बहुत लेना है उन लोगों के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जो है बिलो द प्राइस ऑफ 6420 के नीचे अगर यहाँ पर जाती है तो बनाई जा सकती है। एज वेल एज जिसे रिस्क जो है सबसे कम लेना है उनके लिए 6300 के प्राइस लेवल के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल जाना स्टार्ट करती है देन दे कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। हालांकि आवरली बेसिस के हिसाब से भी मोमेंटम तो यहाँ पर काफी तरह स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर 6530 का प्राइस लेवल ब्रेकआउट देखने को मिले तो लॉन्ग पोजीशन जो है काफी अच्छी तरीके से जो है फॉर्म आउट हो सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।